हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मुलेटर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि एक्यू द्वारा कंडक्ट हुआ था। अभी वो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बन गया है, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट का? दैट इज द लिनियर कंट्रोल सिस्टम। ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम है लिनियर कंट्रोल सिस्टम। इवन दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोल सिस्टम स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो जिनका कंट्रोल सिस्टम पेपर है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस लिनियर कंट्रोल सिस्टम में और कंट्रोल सिस्टम में रिपीट होते हैं, इवन वन ईयर एक ही साल में रिपीट होते हैं। तो आप आराम से इसको भी देखिए, जो कंट्रोल सिस्टम वाले ये लिनियर कंट्रोल भी देखें, इवन जो लिनियर कंट्रोल वाले हैं वो कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी देखें। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑलरेडी हमें पता है कि जो क्वेश्चन है इसमें 9 क्वेश्चन है। आउट ऑफ 9 आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आइदर एमसीक्यू होता है और शॉर्ट आंसर टाइप होता है। तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन पेपर में जो पहला क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप है। हालांकि वो कंपलसरी है, तब भी उसमें 10 क्वेश्चन में से आपको किन्हीं 7 का ही आंसर देना होता है, क्योंकि एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, 14 मार्क्स का। तो दो दो मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 का आंसर देना है आउट ऑफ 10, है ना। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए। एक बार हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, देखोगे, व्हाट इज सर्वो मैकेनिज्म एंड वेयर इट इज यूज। क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन ए ये कह रहा है कि सर्वो मैकेनिज्म क्या है और ये कहां यूज होता है। ओके, तो पहले देखते हैं व्हाट इज सर्वो मैकेनिज्म। तो सर्वो मैकेनिज्म इज एन ऑटोमेटिक क्लोज लूप सिस्टम विच इज यूज फॉर एरर सेंसिंग ऑफ निगेटिव फीडबैक टू करेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ मैकेनिज्म। मीनिंग यह है कि सर्वो मैकेनिज्म एक सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, जो एरर को मेजर करने के काम में लिया जाता है। इसका यूज किसके लिए किया जाता है? एरर को सेंस करने के लिए, ताकि उस सिस्टम का या मैकेनिज्म का परफॉर्मेंस इंप्रूव किया जा सके। टू इंप्रूव और टू करेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ मैकेनिज्म, इंप्रूव किया जा सके और करेक्ट किया जा सके। अगर इंप्रूव का वर्ड बोले तो अगर कुछ उसमें जो आपको डिजायर परफॉर्मेंस वो नहीं मिल रहा है तो उसको आपको लेके आना है, इट इज द करेक्टनेस। और अगर मिल रहा है, जो आपको चाहिए वही मिल रहा है, बट अप टू मार्क्स नहीं मिल रहा है, इट मीन्स इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूव करने के लिए और करेक्ट करने के लिए आप सर्वो मैकेनिज्म का यूज करते हो, पहला बात है। और ये ऑलवेज आपको जो दिखेगा वो ऑटोमेटिक क्लोज लूप सिस्टम में दिखेगा, मैक्सिमम टाइम ये ऑटोमेटिक क्लोज लूप सिस्टम में ही दिखेगा। कहां कहां यूज होता है? पहला जो सबसे पहले यूज किया गया इसका, इट इज यूज्ड इन मिलिट्री फायर एंड मेरिन इक्विपमेंट्स। जो मिलिट्री फायर, मिलिट्री सिस्टम्स है एंड मेरिन ड्राइव सिस्टम्स है, उसमें आपका ये यूज किया गया सबसे पहले। नाउ इट इज ऑल्सो यूज इन रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन्स। तो जो एयरप्लेन होते हैं, रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन, उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट कहाँ यूज किया जाता है? सेटेलाइट ट्रैकिंग में। सेटेलाइट का पोजिशन कहाँ है, कहाँ होना चाहिए, अगर सही जगह पे है कि नहीं है, वहां पे सेटेलाइट आपको, आपका सर्वो मैकेनिज्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑटो फोकस कैमरा, जो हमारा आजकल कैमरा आ रहा है जिसमें ऑटो फोकस होता है, दैट इज ऑल्सो यूज द सर्वो मैकेनिज्म टू फिक्स द लेंस ऑफ द कैमरा। एक्चुअली वो कैमरा के लेंस को फिक्स करता है, इट इज ऑल्सो यूज द सर्वो मैकेनिज्म। देन आपको ऑटोमेटिक मशीन टूल्स में, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑटोमेटिक नेगेटिव नेविगेशन सिस्टम में ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इन सारे जगहों पे यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम क्या है? आजकल जो आपका एडास आ रहा है गाड़ी में, दैट इज ऑल्सो यूज द ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम। तो इन सब जो ऑटोमेटिक, जो आपका ड्राइवरलेस गाड़ी आ रहे हैं ना, उसमें भी आपका ये यूज किया जाता है। देर आर सेवरल प्लेस वेयर द सर्वो मैकेनिज्म सिस्टम इज यूज। तो एक बार वीडियो पॉज करके बोर्ड कॉपी करेंगे। Let us see the next question, that is question number 1B. Question number 1 ka B, sub question B. I am reading the question once. Write necessary and sufficient condition for Routh stability criteria. To jo Routh stability criteria hai, uski necessary and sufficient condition likhna hai. Dekho, necessary aur sufficient ka meaning pehle samajh lete hain. Necessary matlab ki agar ye nahi hoga तो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। पहली बात है कि अगर ये नहीं होगा तो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। और दूसरी बात ये होता है कि मतलब कि तो होना ही है, ये नेसेसरी है। सफिशिएंट का मतलब क्या है? ये होने के साथ साथ अगर ये होता है देन सिस्टम स्टेबल होगा। इट इज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो पहला लेते हैं, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन ये है कि
कि अगर आपके पास सिस्टम का एक लीनियर सिस्टम है और उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कोएफिशिएंट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कोएफिशिएंट के सारे कोएफिशिएंट का साइन सेम है एंड कोई भी कोएफिशिएंट जीरो नहीं है, तब जाके वो सिस्टम स्टेबल हो सकता है। ये तो नेसेसरी है, ये होना ही है। क्या कंडीशन है? आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, आई एम रीडिंग द आंसर्स। द नेसेसरी कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ अ लिनियर सिस्टम इज दैट ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टू बी रियल हैव सेम साइन, फर्दर नन ऑफ कोएफिशिएंट शुड बी जीरो। इसका मतलब ये है बेटा कि मान लो आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन QS है, समथिंग AS4 प्लस BS स्क्वायर क्यूब प्लस CS स्क्वायर, BS क्यूब प्लस CS स्क्वायर प्लस DS प्लस E इक्वल टू जीरो। ये आपके पास एक कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, एग्जांपल के लिए अगर समझना चाहो तो। अब देखो इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो साइन है ना वो सेम होना चाहिए। जैसे यहां पॉजिटिव है, आइदर पॉजिटिव हो सकता है और सारे के सारे निगेटिव होने चाहिए, बट उनका साइन सेम होना चाहिए। अगर सारा का सारा निगेटिव होगा ना, फिर भी आप निगेटिव कॉमन करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर यहां से केवल पॉजिटिव कॉमन करोगे सब में से माइनस कॉमन करोगे निगेटिव हो जाएगा। तो इट इज नॉट सफिशियंट कि पॉजिटिव होना चाहिए, नाइदर सफिशियंट कि निगेटिव होना चाहिए, बट इट इज नेसेसरी टू बी द सेम साइन। इनके सारे के सारे साइन सेम होने चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात, ए बी सी डी ई इन कोफिशियंट का वैल्यूज जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये कोफिशियंट है, ए तो अगर जीरो होगा तो कोई बात नहीं है क्योंकि ये टर्म ही हट जाएगा, एक्सेप्ट ए बी सी डी। अब बात ये है कि अगर तुम्हारे पास ये पॉलिनोमियल ही दिया हुआ है और एस टू द पावर फोर से शुरू है तभी जाके ये टर्म लिखोगे ना, अदरवाइज लिखने की नीड ही नहीं है। एनीवे, तो अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल आया तो उसका कोई भी कोएफिशिएंट जीरो नहीं होने चाहिए, सेम साइन के होने चाहिए, एज वेल एज दीज आर रियल्स, यानी कि ए बी सी डी एंड ई आर बिलोंग टू अ रियल पॉजिटिव नंबर, अ रियल पॉजिटिव नंबर। ये ना सब किससे बिलोंग करते हैं? रियल पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, ये रियल पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, ये सफिशिएंट, ये आपके पास नेसेसरी कंडीशन है। अगर किसी ट्रांसफर फंक्शन, किसी क्रेडिट क्वेश्चन में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो बाय डिफॉल्ट वो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। जैसे मान के चलो यहां पे बी वाला टर्म जीरो होता, मतलब बी जीरो होता, मतलब ये टर्म अगर नहीं होता, अगर b की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो टर्म क्या हो जाएगा? जीरो, इस पावर क्यूब वाला जीरो, तब ये सिस्टम स्टेबल तो नहीं होगा, यानी कि ये सिस्टम क्या हो जाएगा? नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल। तो ये पहले नेसेसरी कंडीशन है। देन आता है व्हाट इज सफिशियंट कंडीशन, यानी कि अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, नेसेसरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तब आते हम लोग सफिशियंट कंडीशन पे। व्हाट इज द सफिशियंट कंडीशन? आई एम रीडिंग वंस। द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ राउत हरे हैव द सेम साइन विथ नो कंप्लीट रो इज जीरो। मतलब क्या? तब जब इसका आप राउथ अरे बनाओगे तो राउथ अरे का जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं दिज ऑल शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव अगर स्टार्ट हुआ है तो पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव स्टार्ट हुआ है तो सारे निगेटिव, मीनिंग की सबके सब सेम साइन के होने चाहिए। आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट सेम साइन के होने चाहिए विथ कोई भी कंप्लीट रो जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी कंप्लीट रो जीरो नहीं होना चाहिए। इट इज द कंडीशन टू बी अ सिस्टम ऑफ स्टेबिलिटी, एक सिस्टम के स्टेबल होने का कंडीशन है। पहले बात ये सेटिस्फाई करे और तब जाके अगर ये भी सेटिस्फाई करे तब जाके आप बोलोगे कि सिस्टम स्टेबल सिस्टम है। इट इज द नेसेसरी कंडीशन, इट इज द सफिशियंट कंडीशन। देखो पर वीडियो पॉज करके इसे कॉपी करी। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर वन, सब क्वेश्चन सी। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस। डिफाइन गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी यूजिंग बोडे प्लॉट। तो बाई हेल्प ऑफ बोडे प्लॉट आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो पहले देखते हैं व्हाट इज फेज क्रॉसओवर और गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होता क्या है बेटा? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा जीसी से। इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच गेन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज वन और जीरो डीबी, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का गेन आइदर वन होता है चाहे डेसिबल में जीरो डीबी होता है, क्योंकि डेसिबल का वैल्यू कितना होता है? 20 लॉग
गेन, तो 20 लॉग गेन करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 डीबी। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, जहां पे आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का गेन 1 होता है चाहे 0 डेसिबल होता है। तो यहां पे ना ये बोडे प्लॉट ड्रॉ किया गया है। ये फिगर किसका है, ये फिगर जो है इसको बोलते हैं बोडे प्लॉट, बोडे प्लॉट, और बोड प्लॉट भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो इस बोड प्लॉट में इस वाले प्लॉट को बोलते हैं मैग्नीट्यूड प्लॉट, इस वाले प्लॉट को बोलते हैं फेज प्लॉट। इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट, इट इज कॉल्ड फेज प्लॉट, कंबाइंडली इट इज कॉल्ड एज बोड प्लॉट। अब देखो ये जो बोड प्लॉट है इसकी गेन, ये गेन जो है ना डेसिबल में लिखा हुआ है, y एक्सिस पे गेन लिया गया है, x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लिया गया है, किसमें, यह है रेडियन पर सेकेंड में, जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इन रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नाउ इस जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है, इस मैग्नीट्यूड जब ये 0 डीबी को टच करता है, देख रहे हो ये 0 डीबी लाइन है रेड वाला, तो जब ये 0 डीबी को टच करता है इस वाले फ्रीक्वेंसी को, ये जिस फ्रीक्वेंसी पे आता है दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ओमेगा जीसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। यही लिखा हुआ है, इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन ऑफ ओएलटीएफ इज 1 और 0 डीबी। तो ये बोडे प्लॉट से हमें समझाना था, तो हमने बोडे प्लॉट से समझा दिया। नाउ फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज ऑफ ओएलटीएफ इज प्लस माइनस 180 डिग्री। फेज मतलब एंगल, द एंगल ऑफ ओएलटीएफ इज प्लस माइनस 180 डिग्री, यानी कि जो ये फेज प्लॉट देख रहे हो, ये फेज प्लॉट जहां पे कि एंगल माइनस 180 डिग्री है या प्लस 180 डिग्री है, माइनस प्लस दोनों सेम ही होते हैं, तो प्लस माइनस 180 डिग्री है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा पीसी। तो ओमेगा पीसी क्या होता है, ये यू फ्रीक्वेंसी है जहां पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का फेज प्लस माइनस 180 डिग्री होता है। तो जो प्लस माइनस 180 डिग्री लाइन हमने खींचा है, यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ऊपर वाला, ये चीज नहीं बेटा, ये तो एंगल है माइनस प्लस माइनस 180 डिग्री, यहां पे जो आपको फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा पीसी। एक बार वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करिए। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1D, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 1 का डी। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सीरीज RL सर्किट। तो आपके पास सीरीज RL सर्किट है, उसका ट्रांसफर फंक्शन बनाना है। ये हमारे पास एक सीरीज RL सर्किट है, RL, यहाँ का वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज V0 है, यहाँ का वोल्टेज इनपुट वोल्टेज VI है। हमें क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो जब भी आपको ट्रांसफर फंक्शन किसी सर्किट का निकालना हो, यू हैव द टू चॉइस, आइदर आप यहाँ पे टाइम डोमेन में KVL लिख लीजिए, मतलब KVL या KCL लिख लीजिए, इक्वेशंस लिख लीजिए, एंड देन उसको कन्वर्ट कर दीजिए इस डोमेन में। और आपके पास एक और ऑप्शन है कि इस सर्किट में ही लैपलास ट्रांसफॉर्म लगा दीजिए, इस सर्किट में ही लैपलास ट्रांसफॉर्म लगा दीजिए, एंड जैसे आप लैपलास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे ये सर्किट इस डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन आप KVL इक्वेशन लिख लीजिए, यू विल गेट द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है एक्चुअली, तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट यानी कि एस डोमेन में डिवाइड बाई लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, ये भी एस डोमेन में, विथ इनिशियल कंडीशन इक्वल टू जीरो। तो इनिशियल कंडीशन जीरो लेके आपको क्या निकालना है, आउटपुट बटा इनपुट का रेशियो निकालना है। तो जो यहाँ लैपलास ट्रांसफॉर्म का सर्किट बना रहे हो, लैपलास ट्रांसफॉर्म इस सर्किट पे लगा के जो सर्किट ड्रॉ कर रहे हो, विथ इनिशियल कंडीशन जीरो लेके ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे आपका IC यानी कि इनिशियल कंडीशन क्या है, जीरो है। देन कैसे ये सर्किट लुक करेगा, कैसे दिखेगा, ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका इंडक्टर, ठीक है, देन आपका यहां के बाद चेंजेज होने वाले हैं। और क्या चेंज होगा, देखोगे ये रेजिस्टेंस R जो है ना R ही रह जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। L जो है वो हो जाता है बेटा LS, S डोमेन में जब कन्वर्ट करते हो, लैपलास लगाते हो, तो इंडक्टर बिकम LS विथ इनिशियल कंडीशन जीरो। जो आपका यहां का आउटपुट है, इट इज जस्ट बिकम V0 of S, और जो यहां इनपुट आपने लगाया हुआ था, इट इज जस्ट बिकम VI of S। तो ये आपको मिल जाएगा सर्किट कैसा, लैपलास लगाने के बाद विद इनिशियल कंडीशन जीरो। नाउ अब आप अप्लाई करेंगे KVL, अप्लाई करिए क्रिचॉप्स वोल्टेज लॉ KVL, यहां पर लगाइए KVL। लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, करंट। तो मान के चलो यहां एक करंट फ्लो हो रहा था, दैट इज I1, इस करंट इज I1। अब यहां पे वो करंट क्या बन जाएगा,
I1, 1, 2 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं करेक्शन अपडेट, मान लो यहाँ करंट फ्लो हो रहा था I, तो अभी यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है ये कितना हो जाएगा I of S। जनरली टाइम डोमेन के डेटा को बेटा स्मॉल में लिखा जाता है एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन के डेटा को जनरली कैपिटल में लिखा जाता है, ये लिखने का एक तरीका होता है। नाउ तो आपके पास ये इक्वेशन मिलेगा, यहाँ पे केवीएल लगाने के लिए हमें करंट ले लिया, लिखते हैं हम लोग केवीएल इक्वेशन, कितना हो जाएगा वी आई ऑफ एस इज इक्वल टू, ये दोनों पैसिव एलिमेंट्स हैं, हो जाएगा आपका आर प्लस एल एस होल मल्टीप्लाई बाई आई ऑफ एस, होल मल्टीप्लाई आई ऑफ एस, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर वन, इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर वन। दूसरा इक्वेशन आप किसका लिखोगे, आउटपुट वोल्टेज का, तो वी नॉट ऑफ एस क्या हो जाएगा, यहां का वोल्टेज है वी नॉट एस, यानी कि एल एस के अक्रॉस का वोल्टेज है, इस जस्ट बिकम इक्वल टू एल एस इन टू आई ऑफ एस, इस इक्वेशन नंबर टू। आपको निकालना क्या है, ट्रांसफर फंक्शन, डेट इज कॉल टू वी नॉट ऑफ एस बाई वी आई ऑफ एस, तो आपके पास वी नॉट ऑफ एस और वी आई ऑफ एस मिल चुका है, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, यानी कि 2/3, 2/1 कर लीजिए, 2/1 करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, वी नॉट ऑफ एस बाई वी आई ऑफ एस इक्वल टू, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा एल एस इन टू आई ऑफ एस डिवाइड बाई, नीचे कितना है आर प्लस एल एस इंटू आई ऑफ एस, इंटू आई ऑफ एस, देन दिस आई ऑफ एस गेट कंसील्ड एंड फाइनली वी आर गेटिंग एज द ट्रांसफर फंक्शन वी नॉट ऑफ एस बाई वी आई ऑफ एस इक्वल टू, चलो ऊपर हो जाएगा एल एस बाई आर प्लस एल एस। एक काम करते हैं फॉर सिंपलिसिटी, एल को कॉमन कर लेते हैं ऊपर और नीचे, एल ऊपर तो है ही, एल नीचे कॉमन कर लीजिए और कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस आर बाई एल, एस अपॉन एस प्लस आर बाई एल, तो दिस बिकम द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन सिस्टम, है ना, एस अपॉन एस प्लस आर बाई एल इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन सीरीज आर सी सर्किट। तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करिए। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1E, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का ई, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, डिफाइन मिनिमम फेज नॉन मिनिमम फेज एंड ऑल पास ट्रांसफर फंक्शन। आपको डिफाइन करना है व्हाट इज मिनिमम फेज, व्हाट इज नॉन मिनिमम फेज एंड व्हाट इज ऑल पास ट्रांसफर फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मिनिमम फेज, द मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन वो ट्रांसफर फंक्शन है इसमें सारे के सारे पोल्स एंड जीरोज लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन है, यानी कि ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इसकी अगर पोल और जीरोज के लोकेशन आप बनाओगे, ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी एक्सिस होता है, ये रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, तो सारे के सारे पोल्स एंड सारे के सारे जीरोज किधर है, लेफ्ट हाफ में, मान के चलो ये दो पोल है, एक जीरो है, फिर यहाँ कॉम्प्लेक्स पोल है, एक कॉम्प्लेक्स जीरो है, तो जितने भी पोल्स हैं, जितने भी जीरोज हैं, ऑल आर इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, देन इट इज कॉल्ड अ मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। अगर इसका एक भी पोल चाहे एक भी जीरो राइट साइड में चला गया, देन इट इज कॉल्ड नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन, वेयर एज इफ देर इज एट लीस्ट वन पोल और जीरोज लाइज इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, देन इट इज कॉल्ड नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। यानी कि नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, आपके पास ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, इधर सारे के सारे पोल और जीरोज पड़े हुए हैं, ये पोल है, ये जीरो है, पोल्स जीरो सारे पड़े हुए हैं, मान के चलो एक भी पोल, एटलीस्ट एक, चाहे दो चाहे तीन, एटलीस्ट लिखा हुआ है, एक भी पोल या जीरो राइट में चला जाए, इट्स बिकम अ नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। तो नॉन मिनिमम क्या होता है, जिसका एक भी पोल चाहे जीरो राइट में गया, जिस इज बिकम नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। एंड फाइनली व्हाट इज ऑल पास ट्रांसफर फंक्शन, ऑल पास ट्रांसफर फंक्शन वो ट्रांसफर फंक्शन है जिसमें पोल एंड जीरोज के लोकेशन इमेजिनरी एक्सिस के सिमेट्री हो, द ट्रांसफर फंक्शन हैज ऑल द पोल्स एंड जीरोज आर सिमेट्रिकल अबाउट इमेजिनरी एक्सिस, देन इट इज कॉल्ड ऑल पास ट्रांसफर फंक्शन हैविंग कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ये समझेंगे हम लोग, पहले देखते हैं कि पोल जीरो कैसा होना चाहिए तब जाके ऑल पास फिल्टर बनेगा। तो जो ऑल पास फिल्टर होंगे उनके जो पोल जीरोज के लोकेशन है वो कुछ इस टाइप के होंगे, ये जी ओमेगा इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस। अगर आपके पास यहाँ एक पोल है, जितना डिस्टेंस पे यहाँ पोल है उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ जीरो होना चाहिए।
अगर यहां जीरो है तो कोरस्पोंडिंग पोल होना चाहिए और ये पोल और जीरो के लोकेशन सिमेट्री होनी चाहिए जे ओमेगा एक्सिस से। और मान के चलो अगर यहां पे जीरो हो गया तो उसका कोरस्पोंडिंग यहां पोल होगा। मान के चलो यहां दो पोल पेयर हो गए कंजुगेट पोल, तो उसके कोरस्पोंडिंग यहां दो जीरोज का पेयर होगा कोरस्पोंडिंग। इस वाले सिस्टम को आप क्या बोलोगे? ऑल पास ट्रांसफर फंक्शन। ये सारे के सारे फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। मान के चलो एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं आपको, जहां पे इधर पोल है, जहां पे इधर पोल है उतना ही डिस्टेंस पे यहां जीरो है। मान के चलो अगर ये है तुम्हारा माइनस ए पे, तो ये किस पे है? ए पे। अगर ये माइनस ए पे, ये किस पे है? ए पे। तो अगर पुट करो, मान के चलो एक ही है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर लेके जाओ, एक सिंपल सा लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। हमारे पास एक ही पोल है और एक जीरो है, यहां जीरो है, यहां पोल है, ये ए पे है, सॉरी ये पोल है। अगर जीरो होगा तो यहां पोल होगा, ये पोल है, ये माइनस ए पे है और ये ए पे है, है ना। तो ये जो सिस्टम है ये ऑल पास सिस्टम है। डेफिनेटली ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है इट इज ऑल पास सिस्टम। अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखने जाओगे, ये तो पोल जीरो लोकेशन था, अगर आप ट्रांसफर फंक्शन लिखोगे तो कितना हो जाएगा? इट इज जस्ट बिकम एस प्लस ए डिवाइड बाई एस प्लस ए। ये एक ट्रांसफर फंक्शन होगा अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखोगे तो। अब एस की कोई भी वैल्यू पुट करो, एस की वैल्यू जीरो लो या एस की वैल्यू कुछ भी लो, एस की वैल्यू जीरो लो या एस की वैल्यू कुछ भी लो, इसका वैल्यू ऑलवेज वन होगा, फिक्स वैल्यू होगा। पुट करके देखो ये कट जाएगा ना दोनों ऊपर नीचे, ये कितना आएगा? ऑलवेज वन होगा, यानी कि ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा, फिक्स वैल्यू होगा। सिमिलरली अगर मान के चलो अगर यहां पे हम कोई कैपिटल ए से मल्टीप्लाई कर देते तब वैल्यू कितना होता? तो ऑलवेज किसी भी फ्रीक्वेंसी पे ये वैल्यू कितना हो जाता? ए हो जाता। तो क्या मिलेगा तुमको? कॉन्स्टेंट मिलेगा। तो इसका भी पोल और जीरो तो बेटा यही है ना, इसको तुम इस तरह भी तो लिख सकते हो, कोई गेन। पिछले वाला क्या था? वहां गेन वन था, दिख नहीं रहा था। पिछले वाला जो था वहां पे गेन वन था तो दिख नहीं रहा था, तो दिख नहीं रहा था तो हमें वन मिला। अब यहां पे क्या है? ए है, तो हमें दिख रहा है ए, तो अब ए मिल रहा है। तो जो भी यहां पे गेन होगा ना वही गेन इसका आपका कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो ऑल पास सिस्टम क्या होता है या ऑल पास ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? वो ट्रांसफर फंक्शन जिसमें पोल और जीरोज के लोकेशन, कोरस्पोंडिंग पोल एंड जीरोज के लोकेशन जे ओमेगा एक्सिस पे सिमेट्री हो, लेफ्ट एंड राइट सिमेट्री। इट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। एक बार वीडियो पॉज करके एक बार कॉपी करिएगा। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन एफ। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। राइट द एडवांटेज ऑफ लैग कंपनसेटर एंड एक्सप्लेन। आपको एडवांटेज लिखना है लैग कंपनसेटर का एंड एक्सप्लेन करना है। दिस आर द एडवांटेज ऑफ लैग कंपनसेटर, व्हाट इट शोज दैट। पहला जो एडवांटेज है, इट्स इंप्रूव द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, यानी कि स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को इंप्रूव करता है बाय रिड्यूसिंग द स्टेडी स्टेट एरर। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इसका एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि सिंस जो आपका लैग कंपनसेटर है इसमें ना पोल डोमिनेट करते हैं, सिंस इन लैग कंपनसेटर पोल्स डोमिनेट अगर पोल्स डोमिनेट करते हैं, हैंस इसीलिए जो स्टेडी स्टेट एरर है वो क्या होता है? रिड्यूस करता है। सिंस पोल्स डोमिनेट हैंस स्टेडी स्टेट एरर गेट रिड्यूस। तो लैग कंपनसेटर में क्या होगा? आपका सबसे पहले स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इंप्रूव होगा। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेडी स्टेट एरर कम होगा। और ये कैसे कम होगा? क्योंकि वो पोल डोमिनेट करता है वहां पे। दूसरा, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस इन आउटपुट सिग्नल डिक्रीजेज, यानी कि इसका जो बैंडविड्थ होता है वो बैंडविड्थ को रिड्यूस कर देता है। तो बैंडविड्थ का रिड्यूस होना मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी जो नॉइस है वो कम हो जाते हैं। सेम ये क्यों कैसे होता है? बाय रिड्यूसिंग बैंडविड्थ। अगर बैंडविड्थ को कम करोगे तो बाय डिफॉल्ट ना जो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइसेस हैं वो बाहर की तरफ हो जाएंगे, इनकी बैंडविड्थ पतला हो जाएगा, तो नॉइसेस जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि आउटपुट में नॉइस डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो इंक्रीज कर जाएगा। अगर नॉइस रिड्यूज होगा तो सिग्नल से नॉइस रेशियो, यानी कि सिग्नल से नॉइस एस बाई एन आर रेशियो, अगर नॉइस रिड्यूज होगा तो एस एन रेशियो जो है सिग्नल टू नॉइस रेशियो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। दिस आर द एक्सप्लेनेशन, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इट इज रिक्वायर्ड। तो ये क्या है? एडवांटेज है किसके? लैग कंपनसेटर्स के। तो स्टेडी स्टेट को इंप्रूव करता है। कैसे इंप्रूव करता है? क्योंकि इसमें पोल डोमिनेंट होते हैं। दूसरा, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस आउटपुट सिग्नल को डिक्रीज किया जाता है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस
आउटपुट सिग्नल में डिक्रीज हो जाता है, ये इसलिए होता है क्योंकि बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट आपका SNR अगर ये कम होगा तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो इंप्रूव करता है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1G। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। डिफाइन एंगल कार्टेशियन एंड मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया। एंगल क्राइटेरिया एंड मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया आपको डिफाइन करना है। तो क्या होता है एंगल क्राइटेरिया एंड मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया? आपके पास ये क्रेसिक इक्वेशन लिखा हुआ है, ये एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना। इट इज गिवन बाय 1 + GH = 0। अब यहां से बेटा GH निकाल लो, GH कितना होगा -1। तो -1 का मैग्नीट्यूड कितना लिख सकते हो तुम? 1। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड कंडीशन, ये हो गया मैग्नीट्यूड कंडीशन। और एंगल कितना लिख सकते हो -1 का? ±180 डिग्री और ओल्ड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। ये क्या लिखा हुआ है? ये ओड लिखने का तरीका है। ये जीरो का वैल्यू, क्यू का वैल्यू 0 पुट करो, ये 1 हो जाएगा। क्यू का वैल्यू 2 पुट करो, क्यू का वैल्यू 2 पुट करो, 1 पुट करो, ये 3 हो जाएगा। क्यू का वैल्यू 2 पुट करो, ये 5 हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? ये ओड लिखने का तरीका है। तो -1 का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड 1, एंगल 180 डिग्री, प्लस या माइनस 180 डिग्री, या फिर ओड मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस 180 डिग्री। तो यही लिखा हुआ है कि जो एंगल कंडीशन है क्या है, जो एंगल कंडीशन है वो ये है कि ये कितना होना चाहिए, या तो 180 होना चाहिए या ओड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री होना चाहिए। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर अ पॉइंट टू लाइज ऑन द रूट लोकस द एंगल इवेलुएटेड एट दैट पॉइंट मस्ट बी एन ओड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पे वो पॉइंट रूट लोकस पे लाई करेगा, यानी कि वो पॉइंट इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जिस पॉइंट पे एंगल ऑफ GH, इसका एंगल प्लस माइनस 180 होगा या फिर ओड मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस 180 डिग्री होगा। दूसरी बात ये लिखा हुआ है कि द एंगल एंड मैग्नीट्यूड कंडीशन आर नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड वन इंप्लाइज द अदर। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि कहीं पे मैग्नीट्यूड कंडीशन फील करेगा तो एंगल नहीं और कहीं पे एंगल कंडीशन फील करेगा तो मैग्नीट्यूड नहीं। ये ऑलवेज एक दूसरे को इंप्लाइज करेंगे। मीनिंग है कि व्हेनेवर देयर इज अ एंगल कंडीशन सेटिस्फाई देन देयर विल बी मैग्नीट्यूड कंडीशन ऑल्सो बी सेटिस्फाई। व्हेनेवर देयर इज अ एंगल कंडीशन सेटिस्फाई देयर विल बी अ मैग्नीट्यूड कंडीशन ऑल्सो बी सेटिस्फाई। हैंस ये दोनों जो कंडीशन है एक दूसरे को इंडिपेंडेंट नहीं है और एक दूसरे को इंप्लाइज भी करते हैं। दिस इज द एंगल एंड मैग्नीट्यूड कंडीशन। एक बार वीडियो पॉज करके कॉपी करेंगे। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 1H। डिफाइन रूट लोकस एंड राइट द एडवांटेजेस ऑफ रूट लोकस। रूट लोकस को डिफाइन करना है एंड एडवांटेजेस लिखना है। व्हाट इज रूट लोकस? रूट लोकस इट इज डिफाइन एज द लोकस ऑफ क्लोज लूप पोल ऑब्टेंड व्हेन गेन के वेरीज फ्रॉम 0 to ∞। रूट लोकस क्या होता है? रूट लोकस में करते क्या है हम लोग ओपन लूप गेन के को, ओपन लूप जैसे कि यहाँ पे होता है ना के इंटू समथिंग अपॉन समथिंग, ये ओपन लूप गेन जो के है इस ओपन लूप के को वेरी करते हैं 0 से ∞ तक, 0 से ∞ तक, और इस बेसिस पे क्लोज लूप पोल लिखते हैं, क्लोज लूप पोल को ड्रॉ करते हैं। इट इज कॉल्ड रूट लोकस। तो व्हाट इज डिफाइन एज? इट इज द लोकस ऑफ क्लोज लूप पोल obtained when gain k varies from 0 to ∞, है ना? What is advantage? तो सबसे पहले ये graphical method है to plotting the locus of roots। तो जो locus roots होते हैं उनके locus plot करने का ये एक graphical technique है, पहली बात। दूसरा, it provides measure of sensitivity of roots to the variation of parameter। यानी कि k के variation में, के वेरिएशन से लोकेशन ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स पे क्या चेंजेज होते हैं उनको भी डिफाइन करता है। यानी कि कितना सेंसेबल है किस पे? वेरिएशन ऑफ के पे। कौन? लोकस ऑफ, लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ CLTF, या यू बोले तो क्लोज लूप पोल कितना सेंसिटिव है, इस ऑल्सो कैन बी प्रोवाइड हियर। नाउ दिस द रेंज ऑफ के फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल कैन ऑल्सो बी फाइन। मतलब क्या है कि के का वो रेंज, के मतलब ओपन लूप गेन के का वो रेंज जिससे कि सिस्टम स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेगा कैन आल्सो बी फाइंड बाय द रूट लोकस डायग्राम। तो एक बार वीडियो पॉज करिए, इसको कॉपी करिए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1I। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। डिफाइन गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन यूजिंग पोलर प्लॉट। तो बाय हेल्प ऑफ पोलर प्लॉट आपको क्या डिजाइन डिफाइन करना है? गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। पहले डिफिनेशन देखते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ
इट इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन ओपन लूप गेन नीडेड टू मेक क्लोज लूप सिस्टम अनस्टेबल, यानी कि वो अमाउंट है जो कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के गेन में मल्टीप्लाई किया जाता है सच दैट कि क्लोज लूप सिस्टम अनस्टेबिलिटी के किनारे पहुंच जाए, यानी कि मार्जिनल स्टेबल के कंडीशन में आ जाए। इसको बोलते हैं एज ऑफ अनस्टेबिलिटी। तो अनस्टेबिलिटी यानी क्लोज लूप सिस्टम अनस्टेबल हो जाए, यानी कि एज ऑफ अनस्टेबिलिटी पे पहुंच जाए। अब देखो कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे ये जो फ्रिक्वेंसी है इसको बोलते हैं ओमेगा पीसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। इस फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पे जो मैग्नीट्यूड आया, जो फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पे जो मैग्नीट्यूड आया उसका वन बाई कर दो, यानी कि ये जो लेंथ है ना ओ ए, मान के चलो ये लेंथ है ओ ए, तो इस लेंथ का इनवर्स होता है गेन मार्जिन। तो जो गेन मार्जिन होता है, गेन मार्जिन वो कितना होता है, वन बाई ओ ए। अच्छा ओ ए का है यहाँ पे, ओ ए क्या है, ओ ए इज गेन ऑफ ओ एल टी एफ एट ओमेगा पी सी। तो फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पे ओमेगा पी सी, तो फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पे जो आपका गेन है वो है ओ ए, और इस गेन का इनवर्स क्या कहलाता है, गेन मार्जिन। तो इसको बोलते हैं ओमेगा पी सी, फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, जहां पे एंगल कितना होता है, प्लस या माइनस 180 डिग्री होता है। तो यहां पे जो आपका फ्रिक्वेंसी होता है उसको बोलते हैं ओमेगा पी सी। तो यहां पे जो मैग्नीट्यूड है ना उसका इनवर्स कहलाता है गेन मार्जिन। उसी तरह से व्हाट इज फेज मार्जिन, इट इज द एडिशनल फेज लैग टू द गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी टू ब्रिंग द सिस्टम टू वर्ज ऑफ अनस्टेबिलिटी। मीनिंग यह है कि ये इतना एक्स्ट्रा फेज लैग है किसके एंगल में, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के एंगल में, सच दैट कि सिस्टम अनस्टेबिलिटी के किनारे पहुंच जाए, और वो एंगल किस पे, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे। तो ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल जहां पोलर प्लॉट को कट करता है, ये पोलर प्लॉट है ये ब्लू वाला, तो यूनिट सर्कल जहां पोलर प्लॉट को कट करता है उसको बोलते हैं ओमेगा जीसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ये होता है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे जितना एंगल है 180 में से घटा लो, इतना और लाइक करोगे ना, तो इस वाले एंगल को हम कहेंगे फेज मार्जिन। तो फेज मार्जिन क्या होता है, इट इज द एडिशनल फेज लैग एट द गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी टू ब्रिंग द सिस्टम वर्ज ऑफ अनस्टेबिलिटी। तो ओमेगा जीसी पे जितना एंगल आएगा, ये 180 में से घटा लो, ये जो रेंज दिख रहा है 180 में से, उसी को बोलते हैं फेज मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1J, डिफाइन गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी यूजिंग पोलर प्लॉट। तो बाई हेल्प ऑफ पोलर प्लॉट आपको क्या डिफाइन करना है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो पहले देखते हैं डिफिनेशन क्या है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का। इसको बोलते हैं ओमेगा जीसी, इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच गेन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बिकम यूनिटी। तो ये जो पोलर प्लॉट लिए हुए हो, यहां पे एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करो, यूनिट सर्कल जिस पॉइंट पे पोलर प्लॉट को कट कर रहा है ये वाला, इसी को क्या बोलते हो, ओमेगा जीसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। यानी कि वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का गेन यूनिटी हो जाता है। तो एक यूनिटी सर्कल ड्रॉ करो, यूनिट सर्कल जहां पे कट किया किसको, पोलर प्लॉट को, ये क्या कहलाएगा, ओमेगा जीसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। उसी तरह से व्हाट इज फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बिकम 180 डिग्री, प्लस माइनस 180 डिग्री। तो जो पोलर प्लॉट आपने ड्रॉ किया है यहां पे, ये जिस पॉइंट पे 180 डिग्री को कट कर रहा है, ये वाला लाइन 180 डिग्री होता है, इसको बोलोगे ये 0 डिग्री होता है, ये माइनस 90 डिग्री होता है, ये माइनस और प्लस 180 डिग्री होता है, ये माइनस 270 डिग्री होता है। इधर से जाओगे तो ये प्लस 90 हो जाएगा, ये प्लस 180 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 270 डिग्री। तो इस तरह से जिसको अब ये प्लस माइनस 180 को जिस पॉइंट पे कट करता है, डेट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ओमेगा पीसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एक शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें 10 क्वेश्चन थे, सब क्वेश्चन थे, इसको हमने डिस्कस किया।